अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बनाने लगे हैं चिप्स, और चिप्स हम कैसे बनाएंगे, जैसे KFC वालों की चिप्स होती है। सबसे पहले हम आलू को छीलेंगे, फिर उसके बाद हम उसको पानी में डाल के बॉईल करेंगे, फिर हम उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया, और उसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमने ले लिया है आलू, इसको अब हम पहले धोएंगे। ओके, तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये देखें हमने इसकी कटिंग कितनी मोटी मोटी काटी है, ये देखें। ओके, तो हमारा पानी बॉयल जो है वो हो गया है, अब इसमें हम ये आलू डाल। हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। ओके, तो जी ये जो है हमारे बॉईल हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसको खुश्क करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया, इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। और इसको अब हम ऐसे करते हैं, एयर टाइट बॉक्स में या आप शॉपर में डाल के उसके अच्छी तरीके से बंद कर दें, और उसे फ्रीज़र में रख दें। और जब भी कभी एमरजेंसी में आपने चिप्स बनानी है तो जल्दी से वो पैकेट निकालें, और तेज़ ऑयल करके उसमें 1 मिनट के लिए इसमें डाल दें, और ये आपकी बहुत मज़े की जो है फ्राइज बन जाएंगी। ये भी इसको पहले ठंडा करना है हमने, ये अभी गर्म है, और पानी भी इसका भी खुश्क नहीं हुआ, पानी खुश्क हो जाएगा और ये ठंडी हो जाएंगी, फिर हम इसको फ्रीज कर लेंगे। इसका फ़ायदा एक ये है कि इसमें ज़्यादा ऑयल जो है वो जज़्ब नहीं होता, और ये हेल्दी रहती हैं ऐसी फ्राइज, तो ये ऐसे बॉयल करके फिर आप इसको फ्राई करके फिर खाएं। ओके, तो जी हमने ऑयल जो है उसको गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, ये पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है इसका। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। लुक, ऑयल जो है इसके अंदर जज़ब नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, ये फ्राई हो रहा है। एक मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने इसको ज़्यादा ब्राउन करनी है या आपने ऐसे वाइटी पसंद करनी है, जिस हिसाब से आपको पसंद है उस हिसाब से आपने इसे फ्राई करनी है। ये हमारी फ्राई हो चुकी है, अब आप इसको केचप या मायनीज के साथ खा सकते हैं। Like, share and subscribe our channel. Press bell icon. Never miss the update from Hina Safa Vlog. Bye. Bye.